अमृतसर ईस्ट की लड़ाई विकास नूं लैके जां वकार नूं लैके? विकास नूं लैके। 18 साल जिस बंदे नूं सिद्धू जोड़े नूं माण मिलिया जी, हलका पेंडू हलकियां तों वी पिछड़ा हलका, ये हालात ने अज बंदियां ने उहनूं मजबूर करता कि वह पंजाब 'च किसे प्रचार ते नहीं जा पा रहा। कांग्रेस नूं क्यों वोट पाउणगे? की कीता कांग्रेस ने? किहड़ा वायदा पूरा कीता? हर वायदे मुलाजम नाल ठगी, नौजवानां नाल ठगी, व्यापारी नाल ठगी, इंडस्ट्री नाल ठगी, दलित भरावां नाल ठगी, किहड़ी गल दी वोट लै रहे हो? गाला कट के तो नहीं वोटां पै जाणियां? भगवंत मान दे चेहरे ते बड़ी अजकल रौनक देखी जा रही जी। रौनक हुंदी आ जी, इहनां दी चोणां ते रहिंदी आ, बाद 'च तां उड्डर उड्डे बुड्ढे फिरदे जी, तुसीं वेख्या ही आ। सूबा देश के प्रधानमंत्री नूं नहीं सुरक्षित रख सकदा, उह बॉर्डर दे स्टेट की सुरक्षा की चन्नी दे हाथ 'च दित्ती जा सकदी? इहनूं तां कल्ला गनमैन आपदे भतीजियां दे आपदे साली दे मुंडियां नूं देण तक सीमित सी, जिहड़े दा लुटदा माल सांभ के रखदे सी। चरणजीत सिंह चन्नी चोर डाकू, पंजाब दे खजाने नूं लुट्टण वाला लीडर, और पंजाब दे दलित भरावां दे नौ ते कल्ला सियासत करन वाला लीडर। कोई लीडर इही जिहा वेख्या जिहनूं राहुल गांधी गरीब कवे, उहदे कोलों 10 करोड़ कैश लभ जे, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी लभ जे, 25 लाख की घड़ी लभ जे, किहड़ा यार इह जिही जी गरीबी तो हर घर 'च लियाओ। भगवंत मान, शराब की बड़ी सीरीयस प्रॉब्लम, की पंजाब के लोग इह जे इंसान नूं आपदा आगू वेखना चाहणगे जिहड़ा पावर दे नशे 'च फिर की कुछ कर जूगा? नवजोत सिंह सिद्धू देखो, उन्हां नूं तां कांग्रेस ने रिजैक्ट करता ना जी, कांग्रेस ने रिजैक्ट करता, तो मैं उहदे बारे की कहना? चुनावी सफर दौरान इस समय असी विधान सभा हलका अमृतसर ईस्ट जितों श्रोमणी अकाली दल के उम्मीदवार बिरकम सिंह मजीठिया चोन लड़ रहे हैं। मजीठिया साहब बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद जी जगतार जी। मजीठ साहब, अमृतसर ईस्ट की लड़ाई विकास नूं लैके जा वकार नूं लैके? विकास नूं लैके जी। जी कदे भी होर कोई नहीं, लोगों की इज्जत मान सत्कार जी, नफरत की पॉलिटिक्स खत्म करना, कमांड अहंकार नूं तोड़ना जी, और प्यार सत्कार जी, बुजुर्गां दा सत्कार, छोटियां नूं प्यार, और इस हलके दी तरक्की, मतलब इस हलके दी खुशहाली। 18 साल जिस बंदे नूं सिद्धू जोड़े नूं माण मिलिया जी, हलका पेंडू हलकियां तों वी पिछड़ा हलका, ये हालात ने की करना है कि तुसीं तुहाडा मैं भाषण भी सुनिया कि 18 साल सिद्धू जोड़े ने उहदी सत्ता रही हैगी आ और सरकार का हिस्सा रहे ने, हिस्सा होने के बावजूद भी इस हल्के की जो डिवेलपमेंट नहीं, की वजह मोटी रह गई? सरकार का हिस्सा रहे है जी, किसी एक सरकार का नहीं, तिने सरकार के हिस्से रहे है। तो हाल वेख लो, ना कोई नौकरी जी, ना कोई पेंशन, ना कोई राशन, ना कोई पानी, ना कोई सीवरेज, ना कोई सड़क, तुम जाके लगो ऐ लगता जब बंदा कंधार चले गया हों अफगानिस्तान से, ना कोई सफाई। इत्थे 3 इकोनॉमिक सोमे ने, मतलब जेडे इकोनॉमी नूं रन करन वाले, एक हैगा जी फोकल पॉइंट साडा न्यू फोकल पॉइंट इंडस्ट्री ने, उत्थे हाल वेखो की आ। वल्ला सब्जी मंडी जिहड़ी सारी नूं केटर करदी, उहदा हाल वेखो की आ, उहदा समुंदरी वल सब्जी मंडी बनी पई आ। जहाजगढ़ जाके वेखो, मीह पै जांदा उत्थे तां ऐ लगदा जिवें कोई सुखना झील ते आ गया हुंदा, इत्थे बहुत बुरा हाल है। एंड नैवर अवेलेबल, कदे फोन चुकना ही नहीं, लभना ही नहीं। तदे अज हालात ये लोगों ने बना छड़े आ कि अज आपका फोन की एडवरटाइजमेंट दे रहा कि मैं आह नंबर लै लिया, इन्ना चिर कित्थे सी? जिहड़ा बंदा लोगों लई प्रचार करता सी, अज इत्थे लोगों नूं सद के आपका प्रचार करा रहा। अच्छा, की वजह? क्योंकि जिहड़ा जदों भी कोई MLA बनता, उहदी पहली प्रायोरिटी उहदा हलका हो जांदा, कि हलके तों वध उहनूं कुछ नहीं लगदा, क्योंकि हलके दे लोक माण बख्शदे ने। ये जिहड़ा जोड़ा हैगा लगातार जितदा भी रहा, लोग वोटां भी पाउंदे रहे ने, फिर भी कित्थे कमी रह गई तुहानूं की लगदा? जितदा इस लई रहा जी, कुछ जरूर लोकां करके तो जितदा ही है बंदा, मगर मैं जे मोटी दी तौर मोटी गल करा, पहली इलैक्शन ने मैं कह सकदा आपदे सैलीब्रिटी स्टेटस करके जितते। 2007 'च जदे लड़े MP, उदों सारे MLA ने इन्हां नूं वोटां पाई, क्योंकि असीं भी लड़ रहे सी इलैक्शन। 9 'च तो 5,000 वोट तो आ गए सी, उदों असीं हलकियां ने जिताया, मजीठे ने, राजा संसी जनाला ने,
नहीं तो शहर तो 50,000 से ठुक गए सी। और जदों घर दी जीती है उदों जितने का कारण भी होया कि दो खड़ो गए, एक आजाद एक कांग्रेस का कैंडीडेट, मतलब किस्मत भी साथ दिंदी रही है, वेव भी सी किस्मत भी साथ दिंदी रही। और 17 च वेख्या कि हुण श्रोमणी अकाली दल बीजेपी की वेव नहीं मारी टपूसी पार कांग्रेस च, कांग्रेस की वेव सी, कांग्रेस सारी सीटा जीतियां उदों शहर दियां। सो ऑपरचूनिस्ट मौका प्रस्ती ते कुछ हालात इन्हां दे हक च रहे आ, मगर अज जवाब देना पै रहा। एडवरटाइजमेंट यारी कि एक नंबर भी उन्हें दसता कि मेरा नंबर है ने, लगता कि हम ग्राउंड से लीडर उतरे ने वो जेडे जिन्हें सत्ता रही 18 साल अमृतसर ईस्ट। देखो लोगों ने हालात पैदा करते जिन्हों हंकार सी कि मैनू एक तरफा वोट पैंदी है, अज बंदियां ने उन्हें मजबूर करता कि वह पंजाब च किसी प्रचार से नहीं जा पा रहा और लोग रोज़ टुट रहे हैं। मैनू इस गल का बड़ा माण है, सच्चे पातशाह ने बड़ी कृपा की है कि अज पार्टी पद्धर तो उत्ते उठ के लोग साढ़े मगर खलो रहे हैं। और ये हलका वो है जिहड़ा कांग्रेस का गढ़ मन्या जांदा, मगर गढ़ फतेह होना, गढ़ हिल चुकया, लोग माण बनाउंदे, लोगों की स्ट्रेंथ होवे ते गढ़ किले मजबूत रहिंदे आ। मगर अज जो लोग ही इन्ने दुखी ने, लोगों का हाल तो वेखो जाके, मतलब एडे तरसयोग हालात तरसते हैं। विक्रम जी पंजाब का विकास करप्शन का बोलबाला, ठगी ठोरी का बोलबाला, स्पैशल इसे हल्के जी है सारी जगह, मगर इतने बहुत काफ़ी है जी। जी जी विक्रम जी, पंजाब का विकास ताडे तो लुकिया नहीं, क्योंकि सरकार हिस्से रहे हैं। अमृतसर ईस्ट तुहानू लगा कि बहुत सारिया कमियां, अगर ईस्ट के लोग माण बख्शते ने पहली जी प्रियोरिटी की रखी है जिस तरह को कहते मजीठे हल्के का कोई मुकाबला नहीं है, कि उस तो वधिया बनाओगे इस हल्के जी? देखो मेरे को डिवेलप जिम्मेवारी उतों की भी है इतों की भी रहूगी जी जी, मेरी धर्मपत्नी उतों लड़ रही है तो, बट यस जी कम करके विखाऊंगा, थोनू तस्वीर बदल के विखाऊंगा, लोग कहे कि काम होया। साडा नंबर जिहड़ा पहले दिन तो दिता ना उही है अज भी जी जी। ठीक है तुसी हरेक दा फोन नहीं चुक सकते क्योंकि लखां लोकी तुहानू फोन करी जांदे आ, तुसी लोकां नू मिलना भी हुंदा जी जी, मगर ये आ कि काम होणगे ग्राउंड च जी जी। असीं ये दसोगे इस बार तुहानू लगदा कि तुहाडा दो जगह ज़्यादा जोर लग रहा है कि मजीठा भी तुसी देख रहे हो, अमृतसर ईस्ट भी मुकाबला वड्डा, लोक मान सत्कार बख्शते हैं जी जी जी, लोगों ने ये फैसले करने होंगे, असली लोगों का साथ है, प्यार है, मैनू तो नहीं कोई एडा जोर वाली गल लग रही, लोगों का अथाह प्यार मिल रहा। मैं गल हमेशा कहना मैनू भुलेखा सी कि मैनू मजीठे वाले केवल प्यार करते हैं, मगर रिकॉर्ड शहर वाले ने भी तोड़ते हालात ही पलट गए। और जिक्र कह रहे कि वड्डे बादल साहब ने जे दो सीटा लड़िया गया लंबी नहीं छड़िया, कैप्टन अमरिंदर सिंह होना दो सीटा लगे पटियाला नहीं छड़िया, तुहानू मजीठा कह सकते चले ताड़ी उत्थे रूह वसदी हैगी है, लेकिन फिर भी तुहानू अमृतसर ईस्ट आना पै गया, तुसीं भी दो सीटा तो लड़ सकते चाहे हुण मिसेज मजीठिया लड़ रहे ने चोन उत्थों मजीठे तो। मैं जी दिल की आवाज़ सुनदा, दूजी गल मैं कोई बड़ा ना लम्मी चौड़ी कैलकुलेटिव पॉलिटिक्स नहीं करता जी जी, रब ने मान बख्शना होंदा जी जी जी, जो पहली हरी जिते या इन्नी हरी जिते बख्शिश की थी उस परमात्मा की कृपा जी जी जी, तो जो सच्चे पातशाह ने कृपा करनी है, गुरु की संगत ने कृपा करनी है, फिर कैलकुलेशनस का दी जी जी, फिर मतलब आप जब सारा कुछ ही आप समर्पित हाँ जी जी, आपदे आप सरेंडर करता है गुरु के चरणा च, गुरु की संगत के चरणा च, फिर सोच विचार कोई नहीं जी। जी सर, वैसे तो सियासत एक वैसे ही जुआ मनिया जाता है, जित हार तो बड़ी इंपोर्टेंट आ, इस समय अकाली दल कित्थे खड़ा लग रहा तुहानू जी? गुरु की बख्शिश नाल श्रोमणी अकाली दल माझे च, दुआबे च और मालवे च कई हिस्सों बहुत वधिया परफॉर्म करके बहुमत सरकार बसपा श्रोमणी अकाली दल की आऊगी। अकाली दल कल्या दी आएगी जी? साडा गठबंधन दी आऊगी जी, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, बिल्कुल माहौल एक तरफा ही बदलता जा रहा जी इत्थे पिंडां च।
ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚੰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ? ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ? ਕਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ? ਜੀ, ਹਰ ਵਾਅਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਲ ਠੱਗੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ, ਵਪਾਰੀ ਨਾਲ ਠੱਗੀ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਠੱਗੀ, ਦਲਿਤ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਵੋਟ ਲੈ ਰਹੇ ਉਹ? ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਜਾਣੀਆਂ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਵਾ ਆਈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੰਨੀ ਦੋਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਜੀ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਟਾਇਰ 'ਚ ਪੈਂਚਰ ਹੁੰਦਾ, ਹਵਾ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ? ਜੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਵਾ ਬੜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ 100 ਸੀਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆਈਆਂ, 20-20 ਚੋਂ ਵੀ 12 MLA ਭੱਜ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੇ 8 ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ 40-50 ਆਉਣੀਆਂ। ਜਦ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿਣ ਡੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਅਸਲ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 5-10-12 ਆ ਜਾਣ ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਬਾਹਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਫਿਰੋ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਜੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰੌਣਕ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੀ। ਰੌਣਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਤਾਂ ਉੱਡੇ ਪੁੱਡੇ ਫਿਰਦੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਆ। ਜੇਠ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਆਪਦੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਜੀ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਆਏ ਅੱਜ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਧੋਖਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਆ, ਤਰੱਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਵਾਏਗੀ ਜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਲ ਵੇਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਕੀ ਆ? ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀ ਚੰਨੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਗਨਮੈਨ ਆਪਦੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਦੇ, ਆਪਦੇ ਸਾਲੀ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦਾ ਲੁੱਟਦਾ ਮਾਲ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਟਾਊਟੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਵਾਏ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੋਂ ਔਰ ਸਿਵਾਏ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੋਣ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨੀ, ਤਾਂ 2019 'ਚ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਦੀ 14 'ਚ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਕਿੱਡੇ ਕੁ ਡੂੰਘੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੀ, ਦੁਨੀਆਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ 20-22 ਸੀਟਾਂ ਆ ਜਾਣ, 25 ਆ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਮਾਰ ਲਈ। 2017 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੋ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਘੇਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਚਾਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਆ, 15 ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ, ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਮੁੱਦੇ ਗਾਇਬ ਨੇ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਕੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਸੀ ਜਗਤਾਰ ਜੀ? ਇਕੱਲੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ, ਬੇਅਦਬੀ ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਮਗਰ ਕੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਲੱਭੇ ਗਏ? ਸਿਰਫ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਸੀ ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕੀ, ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ DGP ਕਾਂਗਰਸ ਲਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਇਹ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹੈ, DSP ਇਹ ਲਵਾ ਰਹੇ, ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਘੱਟ ਗਏ ਜੀ, ਨਸ਼ੇ ਵੱਧ ਗਏ ਜੀ। STF ਚੀਫ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋਈ ਆ ਜੀ ਜੀ, ਮਗਰ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, 10-10 ਲੱਖ ਮਦਦ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ 1-1 ਨੌਕਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ ਜੀ। ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ? ਸਿਰਫ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਸੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਆਉਣੇ ਸੀ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਮਰੀਕਾ ਜੀ। UPA ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਸੀ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ? ਸਿਰਫ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਸੋ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ 22 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸ ਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜੀ? ਦੇਖੋ, ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। 65 ਲੱਖ ਘਰ ਹੈ, 6.5 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਹੈ 65 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦੇਣੀ ਸੀ? ਮਗਰ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਰੀ ਨੌਕਰੀ, ਜਿਹੜਾ 1 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ,
और नाल ही प्राइवेट सैक्टर इनकरेज करेंगे कि इंडस्ट्री नहीं आई जी। सो जॉब्स ऑपरचुनिटी क्रिएट करेंगे, टूरिज्म इनकरेज करेंगे जो असी श्री अमृतसर साहब च सुखबीर जी ने किया जी। जॉब्स कच्चे मुलाजमान पक्के करेंगे इन्होंने नहीं किए। इस तरह बिजली दे बिल जिहड़े 5 रुपए सी इन्होंने 10 रुपए करते वह घटावांगे। नवी स्कीमां जिवें 2000 रुपया महंगाई नूं मुख रखदे आ, हर धी दे हर भैण जिहड़ी घर चला रही है उहदे खर्चे लई दवांगे। 10 लाख का बीमा करांगे, 10 रुपए डीजल दे रेट खेतीबाड़ी वास्ते घटावांगे। इह जे कई ऐलान ने 10 लाख रुपए तक दी पढ़ाई वास्ते बच्चों की भी इंट्रस्ट फ्री लोन देवे, किहड़ा दिंदा अजकल इंट्रस्ट फ्री लोन? जब नौकरी मिल जूगी आफ्टर 15 ईयरस वो आपदे लोन वापस करूगा। सो बड़ी वड्डी गिनती च 75% राखवाकरण किया जाऊगा पंजाबी बच्चों लई। सो यही जी कई चीज़ा असी कर रहे हैं आने वाले समय। डिवेलपमेंट तो वह एजेंडा रहना ही है, क्योंकि जो डिवेलपमेंट बादल साहब के समय से वह तो सारे मूँह बोल की तस्वीर है जी। सड़कों का, एयर का, रेल का, सारी गल सामने, कला गाला कट के तो पॉलिटिक्स नहीं चल रही। सवाल मजीठे साहब, मजीठे तो अमृतसर ईस्ट तो अलावा होर चोन प्रचार से जा रहे? साउथ चाहिए जी, नेड़े नेड़े जा रहे, क्योंकि मेरे लिए तो हल्का बिल्कुल ही नवा ना जी। मैं तो पहली बार हल्के च बने। सो मैं हर एक मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं हरेक तक पहुँचा। मजीठे हल्के से भी मेरी ड्यूटी है, क्योंकि उतों लोग मैं चुनते रहे, अज भी मैं MLA उतों का। सो मेरी रिस्पोंसिबिलिटी ज्यादा इतने आ, नाले मैं कोई एडा नाडू खां लीडर तो है नहीं जी, तो मस्त चाल चलन वाला। जिन्ना लोग माण देंगे प्यार देंगे उन्ने हिसाब न तुरी का बाला। तो चार की ना लवेंगे जो तुम्हारी इच्छा हो गए उन्होंने डिफाइंड कर दो। चरणजीत सिंह चन्नी, चोर, डाकू, पंजाब के खजाने लुटन वाला लीडर, और पंजाब के दलित भरावां दे नौ ते कला सियासत करन वाला लीडर। जगतार जी तुसी मेरे तो बड़े सियाने हो, कोई लीडर यह जा वेख्या जिन्हों राहुल गांधी गरीब कवे उहदे कोलों 10 करोड़ कैश लभ जे, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी लभ जे, 25 लाख की घड़ी लभ जे, किहड़ा यार इह जा इह जी गरीबी तो हर घर च लियाओ कि कुली गुली जुली का मसला ही मुके जी। जी बिल्कुल। भगवंत मान जी नॉन सीरियस, परिवार नूं कट्ठा नहीं रख सके, शराब की बड़ी सीरियस प्रॉब्लम। कि पंजाब दे लोग इह जे इंसान नूं आपदा आगू वेखना चाहणगे जिहड़ा पावर दे नशे च फिर की कुछ कर जूगा? सो और नो विजन, नो सिंसैरिटी, लाइफ इज़ अ जोक। 10 मार्च नूं कहिंदे कि हुण तो ही गाणा चलदा गया, सिली सिली आउंदी हवा कितें कोई रोंदा होगा। नवजोत सिंह सिद्धू, देखो उन्हां नूं तां कांग्रेस नहीं रिजैक्ट करता ना जी, कांग्रेस नहीं रिजैक्ट करता, तो मैं उहदे बारे की कहना। सुखबीर सिंह बादल, देखो मैं उन्हां बारे कुछ कहूँगा ना तो ऐ जापूगा कि यार ये तां पार्टी की गल हो गई है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैं इन्ना ही कह सकता कि जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सोशल वेलफेयर स्कीम ने, चाहे वह वजीफे सी, चाहे शगन सी, चाहे पेंशन सी, चाहे आटा दाल सी, चाहे बिजली मुफ्त करनी सी किसानां नूं, ये लोग पक्षी स्कीम बादल साहब श्रोमणी अकाली दल लैके आए से। बिजली सरपलस करनी, रोड दे वधिया प्रबंध करने, लोगों नूं रुजगार देना, विरासते मार्ग बनाउणा, राम तीरथ बनाउणा, दुर्याना मंदिर दा सुंदरता करनी आले दुआले दी, जां कुरालगढ़ गुरु रविदास जी दा थां तैयार करना, इस तरह एक रिफाइनरी बनाउणी, बिजली घर बनाउणे, ये सारी डिवेलपमेंट, एयरपोर्ट बनाउणे, एयरपोर्ट करके टूरिज्म वधिया, टूरिज्म करके लोकां नूं नौकरी मिली, लोग इत्थे रहना शुरू होणगे, वड्डे वड्डे जिहड़ी देश दीआं बेस्ट होटल चेनां सी इत्थे आ गईआं, ये हालात पैदा उन्होंने किए। सो ओबियसली एक जगह कम दिखदा है और एक जगह निरिया बदखोईयां ही ने, लोग कम वेखण। साडे वल्लों शुभ कामनावां जी, बहुत धन्नवाद जी, थैंक यू।
बिल्कुल जितों तक हुण क्योंकि 20 तरीक नूं वोटां ने 10 मार्च नूं रिजल्ट ने ते बिक्रम सिंह जीठिया दो जगह तो चोण लड़ने चाहे उन्हां दी धर्मपत्नी गनीब कौर मजीठिया मजीठों तो लड़ रहे खुद अमृतसर ईस्ट तो चोण लड़ने इस समां दसेगा इस बार 10 मार्च नूं पंजाब दी जनता किस पार्टी की सरकार बनाउंदी है ते किस पार्टी का विधायक किहड़े किहड़े हलके तो बनदा करमनदीप सिंह दे नाल जगतार सिंह ABC पंजाब अमृतसर।